Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा लास्ट वीडियो में चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने उसका दी एंड कर दिया है। तो आइए आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट नो डैट क्लोथ्स वॉज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कोलॉजिस्ट को, पुरातात्विक विभाग में जो लोग काम करते हैं, इतिहासकारों को, हिस्टोरियंस को, ये कैसे पता चला कि कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आइए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट आंसर, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल फ्रॉम एक्सकेवेशन साइट्स। जब आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करना स्टार्ट किया तो वहाँ पर कुछ स्पिंडल्स देखने को मिले, कुछ ऐसी लिपड़ी हुई हमें थ्रेड्स वगैरह देखने को मिले जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल से बने हुए थे। प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल शोज डैट पीपल न्यू हाउ टू मेक क्लोथ्स। अब इसकी वजह से कि जब ये प्रेजेंट थे तो इनके प्रेजेंस से हमें ये भी पता चलता है कि लोगों को क्लोथ्स बनाने की टेक्निक भी आती थी। लोगों को ये मालूम था पुराने टाइम में कि कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि पहले टाइम में स्पिंडल्स का यूज़ हुआ करता था, उस स्पिंडल्स में हमारे धागे हुआ करते थे, थ्रेड्स। दिस शोज़ दैट द पीपल इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड क्लोथ्स। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। स्टूडेंट्स, ये कुछ मैच द कॉलम दिया हुआ है, इसके सही आंसर हम देखते हैं मैच द कॉलम के, इनको मैच करेंगे। तो फर्स्ट मैचिंग का आंसर जो है कॉपर। कॉपर जो है वो राजस्थान से मंगाया जाता था, हमने पढ़ा था, एक हमारा कॉपर राजस्थान से आता था और एक हमारा ओमान जो कि हमारा अरेबियन पेनिनसुलर एरिया है, देश जो है वहाँ से भी आता था। तो यहाँ पे राजस्थान का ऑप्शन दिया हुआ, तो राजस्थान से हमारा कॉपर आता था। गोल्ड जो है वो साउथर्न स्टेट्स हमारा कर्नाटका से आता था, क्योंकि कर्नाटका में लोग गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, वहाँ से डिस्टेंट प्लेसेस पर लोगों को भेजा जाता था राजाओं के द्वारा, और वो कर्नाटका से गोल्ड मटेरियल लेके जाते थे। टिन जो है वो अफगानिस्तान से लाया जाता था, कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला के टिन बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, प्रीशियस स्टोन्स जो बहुमूल्य रत्न, जो पत्थर जो हुआ करते थे जिनसे मालाएं बनाई जाती थी, जो कि इस्तेमाल किए जाते थे और भी मेज़रमेंट्स वगैरह में, तो उनका वो जो लाए जाते थे वो हमारे गुजरात से लाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई वर मेटल राइटिंग द व्हील एंड द प्लग इम्पोर्टेंट फॉर हड़प्पन्स। अब ये जो वस्तुएं दी हुई हैं, मेटल्स, लिखावटें जो कि लिखे जाते थे पहले स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में, स्क्रिप्ट्स के द्वारा, ये क्यों ज़रूरी थे हड़प्पन के लोगों के लिए? व्हील जो था वो क्यों ज़रूरी था, हल जिससे वो अपना खेती करते थे, एग्रीकल्चर, ये क्यों ज़रूरी था? आइए इसका आंसर देखते हैं। मेटल राइटिंग, मेटल्स राइटिंग, द व्हील एंड द पग वर इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स, ये बहुत ज़रूरी थे। और ये आइए इसके तरीके देखते हैं, किन किन तरीके से ये यूज़ किए जाते थे। मेटल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस टूल्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी एंड सील्स। धातुओं का इस्तेमाल, मेटल्स का यूज़ टूल्स बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, ज्वेल यूटेंसिल और हमारे गहने बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और सील्स भी बनाई जाती थी मेटल से। राइटिंग्स वॉज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, राइटिंग जो लिखी जाती थी, लिखावटें, वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद करती थी। रिलेटेड टू ट्रेड एंड फॉर वेरियस पर अदर पर्पसेस, जो व्यापार जो हमारा बिजनेस हुआ करता था और भी बाकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। द व्हील वॉज यूज इन कार्ट्स टू फेरी पीपल एंड द गुड्स, जो पहिया जो इस्तेमाल किया जाता था बैलगाड़ियों में, वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, पहुँचाने के लिए, और गुड्स वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। व्हील वॉज ऑल्सो यूज्ड एज पॉटर्स व्हील, वो पहिया जो था, वो जो हमारा जो
कुम्हार जो होता है पॉटरी का काम जो करता है उसमें भी व्हील का इस्तेमाल यूज़ किया जाने लगा। प्लग वॉज यूज फॉर टिलिंग द लैंड सो दैट द फार्मिंग कुड बी डन। हल जो कि प्लग का यूज़ किया जाता था वो धरती की जोतने के लिए किया जाता था। ज़मीन जोतने के लिए खेती करने के लिए हल यानी कि प्लग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें टेराकोटा टॉयज जो हमने पढ़े थे मिट्टी के खिलौने जो कि चैप्टर में दिए हुए हैं उसकी लिस्ट बनानी है। विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एन्जॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट। और आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से टॉयज थे ऐसे कौन से खिलौने थे जिससे बच्चे ज़्यादा मनोरंजन करते थे ज़्यादा उत्साहित होते थे। फोर्थ आंसर इज एनिमल फिगर्स यानी कि कुछ जानवर बनाए जाते थे मिट्टी के खिलौने। मॉडल कार्ट एंड प्लग आर सम ऑफ द टेराकोटा टॉयज मेंशन्ड इन द लेसन। जो बैलगाड़ी बनाई जाती थी और हल बनाए जाते थे यही सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखा है। आई थिंक चिल्ड्रन वुड हैव लाइक्ड प्लेइंग विद द मॉडल कार्ट द मोस्ट। पहले बच्चे को जो अच्छा लगता होगा वो हमारा खिलौना बैलगाड़ी अच्छी लगती होगी। इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विद द टॉय कार्स। आज के टाइम पे भी जो बच्चे हैं वो खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं और उसमें कार भी आ गई हैं हमारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन एट। आपको लिस्ट बनानी है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इन द सिविलाइजेशन के टाइम पर लोग क्या खाते थे। एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। और आपको उस जगह पे भी टिक लगाना है जो कि आज के टाइम पे आप वो चीज़ें खाते हैं। आइए ज़रा इसका आंसर देखते हैं। द पीपल ऑफ हड़प्पा एट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। हड़प्पा के लोग बहुत तरीके का अनाज खाते थे जैसे राइस व्हीट बार्ले पल्सेस मस्टर्ड एक्सेट्रा। अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो लोग चावल गेहूं धान दालें और सरसों का यूज़ किया करते थे खाने में। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें बेर फिश मीट मिल्क इन सभी का यूज़ किया जाता था। मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स वी ईट इवन टुडे। आज के टाइम पे भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं खाने में। एट प्रेजेंट वी ईट राइस। आज के टाइम पे हम राइस खाते हैं व्हीट जो कि गेहूँ बोला जाता है पल्सेस दालों को यूज़ होता है खाने में। फिश मीट एंड मिल्क मछली मांस और दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है लोग सेवन करते हैं उन चीज़ों का। बार्ले इज यूज्ड बार्ले पायस हम धानों का इस्तेमाल करते हैं। Our next question is, do you think that the life of farmers and herders who have supplied food to the Harappan cities was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2? आपको ये देखना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिविटीज़ बनी हुई थी क्या वो किसान उन किसानों से अलग थे जो कि हमने न्यूलिथिक एज में पढ़े थे एग्रीकल्चर के टाइम पर जब हमारी शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर की न्यूलिथिक एज में। तो आपको उन फार्मर्स का डिफरेंट बताना पड़ेगा क्या वो अलग थे जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं। और आपको रीज़न कारण भी बताना है कि ये क्यों अलग थे। इन चैप्टर 3 डिस्कशन इज़ मेनली ऑन द रूरल पीपल। चैप्टर 3 में जो हमने पढ़ा था न्यूलिथिक एज में वो गांव के लोगों के लिए ही ज़्यादा डिस्कस की गई थी बातें। बट इन द इस चैप्टर में अगर हम देखें द डिस्कशन इज़ मेनली ऑन अर्बन पीपल। यहाँ पे जो बात बताई गई हैं वो शहरी लोगों के बारे में बात बताई गई हैं। इन बोथ द केसेस फार्मर्स एंड हर्डर्स डिड द सेम टाइप ऑफ वर्क। आज के अगर हम दोनों केस की बात करें चाहे वो गांव का केस हो या फिर शहर का केस फार्मर्स तो एक ही काम करते थे बिल्कुल सेम काम। बट देयर ग्रुप वॉज मच बिगर इन केस ऑफ हड़प्पन सिटीज। पहले रूरल के एरियाज़ पे अलग अलग गांव में डिवाइडेड थे एरियाज़ तो वहाँ पे किसान भाई जो थे हमारे वो कम थे। पर जैसे ही शहर बनने स्टार्ट हो गए हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन सिटीज़ बनने स्टार्ट हो गई तो वो ग्रुप जो था किसानों का फार्मर्स का वो बड़ा हो गया। देयर वर्क कुड हैव बीन मोर ऑर्गेनाइज। अब सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में उनका काम चलने लगा कंपेयर टू व्हाट इट वॉज इन अर्लियर सोसाइटी। अगर हम पुरानी सोसाइटी की बात करें तो आज के जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चला हुआ था वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसान फार्मर्स लोग काम करते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स इन प्रीवियस चैप्टर मेनली प्रोड्यूस फॉर देयर ओन यूज़। उस टाइम पर पुराने चैप्टर अगर हम बात करें न्यूलिथिक एज जो हमने पढ़ा था जो किसान जो थे वो अपने लिए ही अनाज पैदा करते थे गेहूं चावल बार्ले व्हीट राइस बार्ले ये अपने लिए ही पैदा करते थे। बट अगर हम इन हड़प्पन सिटीज़ की बात करें जो लोग सिटीज़ में रहते थे वो अपने के
अलावा भी जो बचा हुआ अनाज था वो बाजार में बेच दिया करते थे। इन द केस ऑफ द हड़प्पन सिटीज द फार्मर्स एंड हडर सोल्ड देयर सरप्लस प्रोडक्शन, जो भी उनसे खेती होती थी, जो पैदावार होती थी, अपने इस्तेमाल के अलावा भी जो उनके पास बचता था वो बाहर बाजार में दे दिया करते थे। कुछ उसका पार्ट कुछ सिटीज़ के पीपल के पास चला जाता था जिनको ज़रूरत हुआ करती थी, और कुछ वो राजा को दिया करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके NCERT के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं डेफिनेशंस, आइए इनको ज़रा पढ़ते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है एम्यूलेट। एम्यूलेट क्या होता है? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट बिलीव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एविल इन्फ्लुएंस। ये हमें दुश्मनों से रक्षा करने में मदद किया करता है। ये ऐसी वस्तु होती है अगर कोई भी हमसे हमला हो जाए हमारे ऊपर, तो वो दुश्मनों से हमें बचाता है। एज अ सेफ गार्ड हमें बचाने की कोशिश करता है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। आर्किटेक्चरल, अगर हम बात करें रिलेटिंग टू द डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये जो है जो इमारतें जो बनाई जाती हैं, बिल्डिंग्स जो बनाई जाती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग से ये सब्जेक्ट होता है। आर्किटेक्चर जो है, जैसे जिस तरह के बिल्डिंग हमें बनानी है वो आर्किटेक्चरल हमें बताती है। नेक्स्ट है हमारा सिटाडल। सिटाडल मैंने पढ़ाया था, अ पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, एक ऐसे बिल्डिंग जो कि ऊंचाई पर बनाई गई है, शहर की ऊंचाई पर बनाया जाने वाला छोटा सा किला, स्मॉल फोर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, उसको हम सिटाडल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉकयार्ड। डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है, प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट रिपेयर्ड एंड लोडेड एंड अनलोडेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो जहाज जो होते थे पानी के जहाज, उनकी रिपेयरिंग की जाती थी, उनको लोड कर दिया जाता था, लदान किया जाता था, उन पे मटेरियल्स गुड्स को वस्तुओं को लोड किया जाता था, और अनलोड यहाँ से वहाँ से वस्तुएँ उतारी भी जाती थी जो कि दूसरे रास्ते से आया करते थे। तो ऐसे प्लेसेस को यहाँ पे डॉकयार्ड बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा ग्रैनरी। ग्रैनरी अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह जहाँ पे अनाज का स्टोर किया जाता है, उनको रखा जाता है एक लंबे टाइम तक, फ्यूचर में अगर उनकी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से वो इस्तेमाल में लाया जाता है। किल्न, किल्न क्या होता है? एंड ओवन वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे ईंटों को पकाया जाता है। पिक्टोग्राफ, पिक्चर लाइक साइंस यूज्ड फॉर राइटिंग। पिक्टोग्राफ एक ऐसी कला होती है, एक ऐसा आर्ट होता है जहाँ पर पिक्चर्स का साइन इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें, अर्ली मैन भी अपने केव्स में जो डिज़ाइनिंग करते थे वो पिक्चर के फॉर्म में किया करते थे, क्योंकि उनकी खुद की भाषा तो हुआ नहीं करती थी, तो वो पहले जो भी उनके दिमाग में जो थॉट्स आते थे वो पिक्चर के द्वारा शो किया करते थे। तो आज के टाइम पे भी हमें उन केव्स में वो पिक्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि पुराने टाइम पर अर्ली मैंस ने बनाए थे। ऐसे यहाँ पर भी इस सिविलाइजेशंस में भी पिक्टोग्राफ का यूज़ होता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सील। सील एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट विद अ डिज़ाइन एनग्रेव्ड ऑन इट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर डिज़ाइनिंग की जाती है, कह सकते हैं नक्काशी की जाती है, कलाकारी की जाती है। यूज्ड फॉर स्टैम्पिंग गुड्स एंड इशूइंग ऑर्डर्स टू बी ओबेड, कभी कभी इनका मैं ऐसा भी इस्तेमाल किया जाता था कि अगर हमें कोई भी वस्तुओं का अगर ऑर्डर आ जाता है तो उस पर ठप्पा लगाने का काम जो है वो सील किया करती थी। अ साइन ऑफ सम अथॉरिटी, एक जो भी उसको संभाल रहा है राजा शासन, उसकी एक साइन हुआ करती थी। अगर किसी जगह पे कोई राजा राज कर रहा है तो उसके हमें पहचान करनी है तो उसकी सील से पता लगता था कि वो इस जगह का राजा है, इस प्रांत का राजा है। नेक्स्ट है हमारा टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा हमारी एक अग्लेज्ड और अनग्लेज्ड फायर्ड क्ले, एक ऐसी आग से पकाई हुई जो कि चमत्कारी, जो कि चमकदार भी हुआ करती थी और कुछ चमकदार भी नहीं होती थी। तो ये इन्हीं से ही आग से बनाई हुई क्ले से ही हमारे टॉयज बनाए जाते थे, उनको शेप दी जाती थी। पहले मिट्टी को करा जाता था, उनको पानी में मिट्टी को डाला जाता था जिससे कि वो क्ले फॉर्म में बने, और उससे बनाए जाते थे खिलौने, शेप्स दी जाती थी, और फिर उसके बाद उनको आग में पकाया जाता था।
स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वर्क। इस चैप्टर का यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा चैनल से जुड़े रहें।